दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे YouTube चैनल राजस्थानी व्लॉगर नरेंद्र रावत में। तो अभी बज रहे हैं सुबह के 8:30 हो रहे हैं और सामने से हमारे बहुत ज्यादा धूप आ जाती है। तो अभी मैं यहाँ पर छाव रहती चूल्हे के पास, वो दिखा रहा हूँ। देखिए चूल्हा हमारा, देखिए चूल्हा है हमारा, ये काटे पर रख रखे हमने। और इधर देखिए, इधर सामने धूप आती है बरामदे में चारों तरफ, इसलिए इस जगह यहाँ पर इस समय कम से कम 10 बजे तक छाव रहती है बढ़िया। तो इसलिए अभी मैं यहीं बैठा था, तो मैंने सोचा आज आपको यहीं बैठ के एक भजन सुना देता हूँ। इस भजन पे हमने स्कूल में डांस करवाया था, तो मैंने सोचा सुबह से मुझे वही भजन याद आ रहा था, मैं सोचा आपके सबके साथ शेयर कर दूँ। दोस्तों अच्छा लगे तो लाइक कमेंट शेयर, और नए चैनल पर तो प्लीज़ सब्सक्राइब जरूर करें। तो चलो मैं आपको भजन सुनाता हूँ। श्री कृष्ण जी का है, राधा जी गा रही है। ओ बंसी जोर की बजाई रे नंदलाला, ओ बंसी जोर की बजाई रे नंदलाला, नंदलाला गोपाल लाला, नंदलाला गोपाल लाला, ओ बंसी जोर की बजाई रे नंदलाला। बंसी की आवाज मैंने रसोड़े में सुनी थी, बंसी की आवाज मैंने रसोड़े में सुनी थी, और रोटी पोयती छोड़ाई रे नंदलाला, रोटी पोयती छोड़ाई रे नंदलाला, बंसी जोर की बजाई रे नंदलाला, नंदलाला गोपाल लाला, नंदलाला गोपाल लाला, ओ बंसी जोर की बजाई रे नंदलाला। बंसी की आवाज मैंने पनघट पे सुनी थी, बंसी की आवाज मैंने पनघट पे सुनी थी, ओ पानी भरती छोड़ाई रे नंदलाला, ओ पानी भरती छोड़ाई रे नंदलाला, नंदलाला गोपाल लाला, नंदलाला गोपाल लाला, हो बंसी जोर की बजाई रे नंदलाला, हो बंसी जोर की बजाई रे नंदलाला, नंदलाला गोपाल लाला, नंदलाला गोपाल लाला, ओ बंसी जोर की बजाई रे नंदलाला, ओ बंसी जोर की बजाई रे नंदलाला। दोस्तों आपको ये भजन कैसा लगा प्लीज़ कमेंट करके जरूर बताएं। तो मिलते हैं थोड़ी देर बाद वीडियो में। तो दोस्तों हाँ जी दोस्तों, तो देखिए अभी बज चुके हैं सुबह के 9, और ये देखिए ये मेरा भाई दोनों गायों को खोल दी हमारी को, और ये बाहर ताड़ने जा रहा है इनको, क्योंकि सुबह 9 बजे हम खोल देते हैं इनको और ये फिर शाम को 5, आजकल तो 6:30 तक आते घर पे, क्योंकि बारिश हुई थी बीच में तो चारा हो गया थोड़ा थोड़ा, तो ये फिर चरने में लगी रहती है दिन भर, और छाव भी की भी दिक्कत है हमारे यहाँ घर पर। तो सब लोग गांव में हमारे खोल देते हैं गायों को सुबह सुबह, जो दिन भर चर के शाम को आ जाती है फिर, इसलिए ये देखिए ताड़ रहा भी गाय को ये। दोस्तों तो देखो अभी हम गेहूँ लाने गए थे राशन के लेके आ चुके हैं। देखिए कट्टा पड़ा मेरे पास, देखिए जा रहे हैं घर जा रहे हैं अभी, देख के आ गए, इसको हेरिया बोलते हैं, हमारे हेरिया हेरिया में से जा रहे हैं हम। ये देखिए पीछे खेत दिखाता हूँ आपको, हरे भरे, ये देखिए दोस्तों हरे भरे खेत गांव के, हरे हर भरे हरे भरे खेत, देखिए। हाँ जी दोस्तों देखिए अभी हम आ चुके हैं घर पे, ये रहा ध्यान धान गेहूँ, ये देखिए ये डबल कट्टे गेहूँ मिल गए, ओह ये एक शंकर सर्फ का पाउडर ये दिया, ये के मिलता है, और ये देखिए दाल भी दी 1 किलो, आज इस बार दाल भी मिली। देखिए आज हम सामान लेके आए थे, ये देखिए
इधर भी दिए। ये देखिए दोस्तों, तो देखिए आज हम सामान लाने गए थे घर का परचूने का, तो देखिए क्या क्या लेके आए आपको बताता हूँ मैं। तो देखिए सबसे पहले साबुन से स्टार्ट करते हैं। ये तो शंकर साबुन कपड़े धोने के लिए होंगे हमारे यूज करते हैं, ये लेके आए। ये नहाने की साबुन है निर्मा जी की, ये बर्तन मोदी साबुन 5 स्टार। पाउडर के साथ ये लाए थे गर्मी को, अब गर्मी आ गई स्टार्ट तो ये लाए थे, तो इसके साथ ये फेक हो गई। और ये देखिए 2 पाउच गड़ी सर्फ के लाए, 2 गड़ी पाउच सर्फ के लाए। और अब ये देखिए ये मुरमुरे लाए हैं छाछ में डाल के रायता बनाने के लिए, गर्मी आ गई है। तो जैन नमकीन में आपको इतनी बताते हैं, हमारे यहाँ की जो जैन नमकीन है भंडार है बहुत फेमस है अजमेर की जैन नमकीन के लिए, ये लाए हैं। और एक ये मिक्सचर नमकीन लाए बच्चों के लिए, एक ये रतलामी नमकीन है ये बहुत फेमस है, हिंग वाली बहुत अच्छी लगती है, ये लेकर आए। दोस्तों 1 किलो गुड़ लेके आए, 1 किलो गुड़ लाए, गुड़ लाए। ये 1/2 किलो कोई चने की दाल लाए थे इसमें, पर चने की दाल तो अभी हमें राशन से और मिल गई, 1 किलो तो गनी होती है। 1/2 किलो पाव भर चाय की पत्ती लाए, खुली दे रहे हैं आजकल, ये भी दाल है। और क्या बताता हूँ मैं, क्योंकि हमारे इस थैलियों में पैक करके देते हैं यहाँ पर। ये मूंग मोगर बोलते हैं, ये मूंग मोगर बोलते हैं, ये बस दाल लाए 1/2 किलो सब डाले, एक एक सैंपल लिया 1/2 किलो भी बोलते हैं। हम केक भी लेकर आइए। और ये लाए थे हम उड़द की दाल भी लाई थी दोस्तों छिलके वाले, ये देखिए दिखाता हूँ मैं आपको, ये देखिए ये उड़द की दाल भी लाया 1/2 किलो, ये अलग अलग बना लिए। और 1 किलो बेसन लेके आए थे हम, और ये देखिए 2 किलो चावल, ये वाले लाए, कणके नहीं लाए, कणके पड़ी हमारे पास इसलिए मैं लाए थे। और दोस्तों ये और ये नागिन के फेवरेट सॉस, देखते कितने दिन चलाता है, क्योंकि जब ये आ गए तो ये रोज रोटी खाना छोड़ देगा, किसी को खाएगा तो 4 दिन तक, ये देखिए नमकीन और ये चलेंगे। और दोस्तों एक सीखा पर आग बैठा ना, और देखिए फॉर्चून उसके पास नहीं था तो हम ये लेके आए दोस्तों चंबल के 3 पाउच, मतलब पूरे महीने भर के लिए चल रहा। और 8 किलो ये शक्कर लेते आज ही लेके आए। और हाँ मैं एक सोडा और लेके आया था मीठा सोडा, वो अंदर रख दिया मैंने। दोस्तों ये है हमारा महीने भर का घर का खाने का सबको का सामान, बाकी और कुछ सूखे सामान और भी थे जो मेरे पास पड़े थे उस महीने, बस यही चीज़। और हाँ एक चीज़ तो भूल गया कि नितिन के पास कब से पड़ा था केक लाया हूँ मैं इसके लिए, बहुत दिन उसको खाए हुए इसलिए, और कब से मुझे केक के लिए बोल रहा है दोस्तों पापा चलो अंदर चलो पहले हम केक खाएंगे, क्योंकि मैं ये सामान लेके आया ना सीधा क्योंकि राशन मिलने लग गया था। दोस्तों मैं बता रहा था फोन आ गया था बीच में, तो एक केक लाए हैं नितिन का फेवरेट, देख फोल भी रेस लगी थी दूर में, फोन आ गया था सारा, तो एक से कह रहा पापा मुझे खाना है तो इसको खिलाएंगे दोस्तों, ये हम मिलते हैं थोड़ी देर बाद वीडियो में। दोस्तों हाँ जी दोस्तों देखिए अभी हम आज निपेंगे घर में चूल्हे के पास, तो देखिए मिट्टी गड़ा दी हमने और ये गाय का गोबर है ये इकट्ठा कर रखा है, तो पहले जो मट्टी है उसको हम अच्छी तरह पानी डाल के गीली कर देंगे, अच्छी तरह गला देंगे, देखिए ऐसे गला देंगे, बहुत दिन हो गए चूल्हा को लीपे में, पर हम आज हम आपको लीपना सिखाएंगे, बताएंगे कैसे लीपते हैं हमारे गांव में। ये देखिए दोस्तों ऐसे पूरी मिट्टी को अच्छी तरह गला देंगे, पानी से पूरी गीली करके गाड़ देंगे पूरी मिट्टी जो भी है इसको,
फिर इसके चारों तरफ ऐसे ऐसे ये जो गोबर है ये देखिए इस गोबर को लगा देंगे। फिर इसको देखिए पहले के ज़माने में दोस्तों पूरे घरों में, अब तो पक्के आंगने आंगन बना लिए हैं, तो पहले तो पूरे घरों को सबको लीपना पड़ता था। आजकल तो बस चूल्हे के पास जहाँ होता है वहीं रखते हैं का थोड़ा सा कच्चा। देखिए और जो गोबर है इसको हम अच्छी तरह से इस मिट्टी में मिक्स कर देंगे। देखिए कैसे करते हैं, पूरा वीडियो देख के दोस्तों आप देखिए। पूरी मिट्टी को हम ऐसे पूरी अच्छी तरह इसको घोल देंगे इसमें, ये देखिए दोस्तों। वो बहुत ही मतलब उपयोगी, मतलब बहुत ही सही रहता है ये जो आंगन में। फिर चलने में भी अभी धूप में भी ज़्यादा दिक्कत नहीं देते हैं, क्योंकि धूप हमारे यहाँ ज़्यादा पड़ती है। तो देखिए इसमें धूप के लिए भी ठीक है, गर्मी के लिए और सर्दी के लिए भी बहुत ही उपयोगी है यहाँ लिपा हुआ, क्योंकि सर्दी में ये ठंडा नहीं रहता है ज़्यादा और गर्मी में ज़्यादा गर्म नहीं रहता है, इसी फायदे हैं। तो देखिए सबसे पहले शुरुआत चूल्हे से करते हैं दोस्तों, क्योंकि चूल्हे के तो हर चौथे पांचे दिन लीपना पड़ता है, क्योंकि कोई धूप वगैरह भी करते हैं तो इसकी स्वच्छता पहले अछूता ही बोलते हैं, अछूता ही चूल्हे से होती है। तो चूल्हे को जो भी बनता है चूल्हे से बनता भोग लगता है, तो चूल्हे को सबसे पहले लीपते हैं। देखिए दोस्तों इसे थोड़ा थोड़ा करके लास्ट से स्टार्ट करते हुए पीछे तक जाएंगे लीपते लीपते, ये देखिए। वो इसमें ऐसे पानी डालते जाएंगे, ये देखिए पानी गोल गोल के इसमें हाथ की सहायता से इसे पूरे जो कच्चा आंगन है इसमें पूरा लीपना पड़ता है दोस्तों, ये देखिए। सर्दी में भी इतना उपयोगी है, ठंडा नहीं रहता दोस्तों, ये बिल्कुल गर्म, ये देखिए कितना सुंदर लग रहा है। और लीपने के बाद तो इतना अच्छा लगता है, बैठे रहो भले, ये देखिए दोस्तों। देखिए चूल्हे की बेवनी बोलते हैं दोस्तों इसको, लीपते हैं बेवनी, जिससे कि जो राख या भानी बोलते हैं हमारे भानी बाहर नहीं निकले। ये देखिए चूल्हे की लीप रहे भी। तो ये गोल है जो चूल्हे के सामने ये बेवने बोलते हैं, बेवने के लीप रहे देखिए। और इधर से लेके लीपती है पूरा, देखिए दोस्तों ये लीपने के बाद मैं आ चुका था, ये देखिए। और ये दो गोल गोल बना रखी है बट डेक से रखने के लिए, जिससे कि आंगन काला नहीं, इसलिए बना रखे दोस्तों। मैं जूम करके दिखाता हूँ आपको, ये देखिए दोस्तों ये डेकची रखने के लिए बना रही। इसी तरह अपना सपोर्ट प्यार बना रखे, थैंक यू सो मच दोस्तों।